हेलो नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पेट में तेजाब और सीने के अंदर जलन होने पर कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं और इसको किस तरह ठीक किया जाता है। साथियों, पेट के अंदर तेजाब बनना, पेट फूलना, गैस होना, जी घबराना, गले और सीने के अंदर जलन होना या दर्द होना, ऐसे कुछ लक्षण एसिडिटी के प्रमुख लक्षण होते हैं। पेट में एसिड ज़्यादा बनने से छाती के अंदर जलन होने लगती है, जो कि बाद में एसिडिटी के रूप में बन जाती है। दोस्तों, कुछ लोग पेट में तेजाब बनने को रोकने के लिए और सीने में दर्द व जलन के इलाज के लिए बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, परंतु दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे घरेलू उपाय और देसी आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बिना मेडिसिन के इस समस्या को जल्दी और आसानी से दूर कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पेट में एसिड बनने का क्या कारण होता है, सीने में जलन क्यों होती है। दोस्तों हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है, पर जब यह एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो यह एसिडिटी का रूप ले लेता है, जिसके कारण पेट और छाती के अंदर जलन की समस्या होने लगती है। दोस्तों एसिड बनने का अधिक कारण यह भी होता है कि जब हम घर का खाना छोड़कर बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं और खट्टा खाना और मिर्च मसालेदार खाना खाते हैं, तो हमारे पेट के अंदर तेजाब अधिक बनने लगता है। दोस्तों चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक और शराब के अधिक सेवन के वजह से भी एसिडिटी की समस्या लोगों को होने लगती है। दोस्तों जो लोग बात बात पर दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी एसिडिटी का रोग बहुत जल्दी हो जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे पेट के अंदर तेजाब बनने के क्या लक्षण होते हैं। जी घबराना, बेचैनी महसूस होना और उल्टी आने का मन करना, पेट, गले और छाती के अंदर जलन महसूस होना, कब्ज, गैस और पाचन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं होना, इसके अलावा खाना खाने के बाद खट्टी डकार आना, ये सभी लक्षण पेट के अंदर तेजाब बनने के लक्षण होते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं पेट के अंदर तेजाब का इलाज करने के घरेलू उपायों के बारे में। नंबर वन, सीने की जलन, पेट में गैस और तेजाब की समस्या से बचने के लिए भोजन के बाद थोड़ा सौंफ खाना चाहिए। सौंफ खाने से सीने की जलन और पेट की गैस में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नंबर टू, पेट के अंदर तेजाब बनना कम करने के लिए आपको जो दोस्तों जीरा होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जीरा को एक रामबाण इलाज के रूप में माना जाता है। आप एक चम्मच जीरे को कच्चा चबा सकते हो या दोस्तों आप इसे भून कर भी खा सकते हो। उसके दोस्तों 10 मिनट बाद आपको गुनगुने पानी के साथ इसको सेवन करना है। इस घरेलू नुस्खे से भयंकर जो एसिडिटी होती है वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों आपको पाचन के लिए इलायची का सेवन करना चाहिए। इलायची पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक मानी जाती है। जब भी सीने के अंदर जलन हो या फिर दर्द हो या फिर एसिडिटी बढ़ने के लक्षण दिखाई दें तो आपको दो इलायची खानी चाहिए। इलायची खाने से दोस्तों आपकी जो पाचन शक्ति होगी वो तीव्र हो जाएगी, आपको हर प्रकार की गैस से बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। नंबर चार, एसिडिटी को दूर करने के उपायों में ठंडा दूध बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठंडा दूध पीने से आपको तुरंत आराम मिलता है, दूध पेट के अंदर एसिड को जमने नहीं देता। नंबर पाँच, दोस्तों तेजाब ज़्यादा होने पर तुलसी के पत्तों को चबा चबा कर खाना चाहिए, या फिर आप इन्हें पानी के साथ उबाल कर भी पी सकते हैं। पेट में तेजाब की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह उपाय सबसे ज़्यादा अचूक माना जाता है। नंबर छः, दोस्तों खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए, इससे दोस्तों आपकी पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और इससे आपको सभी प्रकार की गैस की समस्या में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो सीने में जलन और दर्द का इलाज करने के लिए भोजन करने के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो आप एलोवेरा को खाने के आधे घंटे बाद भी एलोवेरा के जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा करने से आपके सीने की जलन और दर्द में बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। दोस्तों अगर आप एसिडिटी से बहुत ही जल्दी आराम पाना चाहते हो तो आपको अपने खाने में लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन का सेवन करने से आपकी एसिडिटी में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपको पेट की गैस की समस्या भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों पेट के तेजाब के उपायों में योगा भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो आप भुना हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर छाछ में डालकर पिएं। ऐसा करने से आपके पेट की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये थे 10 घरेलू उपाय जिनका उपयोग करके आप अपने पेट की गैस की समस्या को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं सीने में जलन और पेट के तेजाब के उपायों के बारे में। नंबर वन, पेट में तेजाब की समस्या अधिक होने पर आपको ज़्यादा खाना खाने से बचना चाहिए। दोस्तों इस रोग में आपको परहेज ज़्यादा करना है। ज़्यादा मिर्च मसालेदार वाला आहार, फास्ट फूड, तला भुना खाना आपको नहीं खाना है।
पेट में एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना है। दोस्तों एसिड के कारण पेट, गले और सीने के अंदर जलन रहती है, तो इसमें दोस्तों आपको केले का सेवन करना है, इससे आपके पेट की जलन बहुत ही जल्दी शांत हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ आपको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लंबे समय तक खाली पेट से भी आपको एसिडिटी हो सकती है, इसलिए दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना खाते रहना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप हमको कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।